इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैन नरेंद्र गिरी केस में फैलाए गए झूठ का पर्दाफाश। मैन के पढ़े लिखे ना होने का दावा निकला गलत। इंडिया टीवी के पास नरेंद्र गिरी के हाई स्कूल पास होने का प्रमाण पत्र। सर्टिफिकेट के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी ने उत्तर प्रदेश बोर्ड से सेकंड डिवीजन में पास किया था। हाई स्कूल अनपढ़ होने की बात को लेकर सुसाइड नोट पर उठाए जा रहे थे सवाल। इंडिया टीवी पर महंत के मामा का बड़ा खुलासा। कहा जौनपुर के सहकारी बैंक में क्लर्क की नौकरी करते थे महंत। 1982 से 83 में बैंक की नौकरी छोड़कर संन्यास लिया था। नरेंद्र गिरी के मामा ने अनपढ़ होने की बात को बताया सरासर झूठ। कहा अपने नाना के स्कूल के सेकंड डिवीजन पास की थी। हाई स्कूल की परीक्षा 1978 में दिया था एग्जाम। मामा महेश सिंह ने कहा हाई स्कूल पास करते ही मिल गई थी बैंक की नौकरी, इसलिए नहीं किया था इंटरमीडिएट। नरेंद्र गिरी के मामा ने बताया महंत जी की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके पढ़े लिखे होने के कई सबूत मौजूद, जरूरत पड़ने पर पेश करेंगे। महंत नरेंद्र गिरी मौत के मामले में होगी सीबीआई की जांच। योगी सरकार ने केंद्र से सिफारिश की। कई साधु संतों ने महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट पर उठाया सवाल। राजनीतिक दलों ने भी की थी सीबीआई जांच की मांग। फिलहाल 18 सदस्य एसआईटी कर रही है मामले की जांच। निरंजनी अखाड़े ने महंत के सुसाइड लेटर को बताया फर्जी। सीबीआई जांच की मांग की। नरेंद्र गिरी की मौत की जांच के लिए बनी एसआईटी ने संदीप तिवारी को गिरफ्तार किया। लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आदित्य तिवारी का बेटा है संदीप। आनंद गिरी को युवा भारत साधु समाज के अध्यक्ष पद से भी हटाया गया। युवा संतों की बैठक में फैसला। एटीएस की जांच में सामने आया कलीम सिद्दीकी का पाकिस्तान कनेक्शन। धर्मांतरण के लिए मौलाना को मिल रही थी पाकिस्तान से फंडिंग। सीमा पार से किया जा रहा था टेक्निकल सपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक मौलाना कलीम सिद्दीकी के पांच साथियों की तलाश में जुटी है एटीएस। गिरफ्तारी के बाद से पांचों फरार। मेरठ, दिल्ली और मुजफ्फरनगर में छापे हो रहे हैं। एटीएस की पूछताछ में कलीम सिद्दीकी का बड़ा खुलासा। उमर गौतम के शिकंजे में आने के बाद से मौलाना को था जांच की एजेंसी के रिटायर पर आने का डर। गिरफ्तारी के डर से बदला ऑफिस का मोबाइल नंबर। धर्म परिवर्तन के अलावा मौलाना कलीम सिद्दीकी के मुख्य एजेंडे में था लव जिहाद। देश में मुस्लिम आबादी को बढ़ाना भी मकसद था। धर्म परिवर्तन मामले में गिरफ्तार मुजफ्फरनगर के मौलाना कलीम सिद्दीकी के घर पहुंची इंडिया टीवी की टीम। मौलाना की गिरफ्तारी के बाद परिवार के लोग घर से नदारद। गांव वालों ने भी किया गिरफ्तारी का विरोध। कहा मौलाना का धर्मांतरण रैकेट से कोई कनेक्शन नहीं, कभी नहीं आया धर्मांतरण का आरोपी उमर गौतम। धर्मांतरण के आरोपी कलीम सिद्दीकी के स्टाफ का आरोप। यूपी चुनाव करीब है, परेशान करने के लिए की गई गिरफ्तारी। कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार का बयान। का धर्मांतरण रैकेट में शामिल लोगों पर हो कठोर कार्रवाई। मौलाना का बचाव करने वाली समाजवादी पार्टी को बताया देश विरोधी। पाकिस्तानी आईएसआई टेरर मॉड्यूल केस में बड़ा खुलासा। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक हमीद ने पूछताछ के दौरान खुला राज। गिरफ्तार आतंकी से शान है टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड। हमीद से पूछताछ में नहीं कर रहा है सहयोग। हमीद पर ओसामा और जीशान को पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए भेजने का आरोप लगा। गिरफ्तार आतंकी ओसामा का चाचा है हमीद। दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर युद्धवीर सिंह दडवाल का लंबी बीमारी के बाद निधन। जुलाई 2007 से नवंबर 2010 तक रहे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर। अमेरिका दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। राजधानी वॉशिंगटन डीसी पहुंचने पर जोरदार स्वागत। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए काफी लोग मौजूद। पीएम ने लोगों के बीच जाकर की मुलाकात, मिलाया हाथ। बारिश के बावजूद एयरपोर्ट पर घंटों डटे रहे लोग। अपने बीच पीएम के पहुंचने के बाद मोदी मोदी के नारे लगाए। भारतीय मूल के लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर किया पीएम का स्वागत। कई लोग पीएम को देखने दूर दूर वॉशिंगटन डीसी पहुंचे। पीएम मोदी के होटल पहुंचने पर भी हुआ जोरदार स्वागत। होटल के गेट पर मिलने पहुंचे लोग। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। आज अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलेंगे पीएम मोदी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन से भी होगी मुलाकात। दौरे के पहले दिन आज पांच ग्लोबल सीईओ से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सबसे पहले क्वालकॉम और फर्स्ट सोलर कंपनी के सीईओ से मिलेंगे। एडोबी के चेयरमैन शांतनु नारायण और जनरल ऑटोमिक्स के चेयरमैन विवेक लाल भी पीएम मोदी से मिलेंगे। ब्लैकस्टोन के चेयरमैन के साथ होगी आखिरी बैठक। अमेरिका जाते वक्त फ्लाइट में काम करते नजर आए प्रधानमंत्री मोदी, शेयर की तस्वीर। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर बोले अमेरिका के भारत के राजदूत रणजीत सिंह संधू। कोरोना के बावजूद भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में आई मजबूती। पीएम मोदी ने ग्लोबल कोविड शिखर सम्मेलन को संबोधित किया वर्चुअल तरीके से। कार्यक्रम में शामिल हुए कहा कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई। पीएम मोदी बोले भारत में तेजी से टीकाकरण हो रहा है। 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई गई। कोविड पर ग्लोबल सम्मेलन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी संबोधित किया। दुनिया में अमेरिकी वैक्सीन सप्लाई डबल करने का ऐलान। बाइडेन ने अगले साल तक दुनिया की 70% आबादी को वैक्सीन लगाने का रखा लक्ष्य। अमीर देशों से और योगदान देने को कहा। सम्मेलन में बाइडेन ने किया ऐलान। क्वाड के घोषणा के मुताबिक भारत में $1 अरब वैक्सीन बनाने पर काम प्रगति पर। ऑकस को लेकर अमेरिका का बयान, भारत और जापान गठबंधन में नहीं होंगे शामिल। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच हुआ है रक्षा समझौता। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा में बैठना चाहता है तालिबान। संयुक्त राष्ट्र में तालिबान के नवनियुक्त दूत सुहेल शाहीन ने तालिबानी शासन को जल्द मान्यता देने की अपील की।
अफगानिस्तान के जलालाबाद में तालिबान को निशाना बनाकर दो हमले, दो तालिबान लड़ाके समेत पांच लोगों की मौत। चश्मदीदों के मुताबिक रिक्शा पर बैठकर आए थे हमलावर, पेट्रोल पंप पर की थी ताबड़तोड़ फायरिंग, हमले में पेट्रोल पंप के अटेंडेंट और बच्चे की मौत। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में बोले विदेश मंत्री जयशंकर, आतंक के लिए ना हो अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल, तालिबान पूरा करे अपना वादा। विदेश मंत्री जयशंकर ने अफगानिस्तान की सत्ता में सबकी भागीदारी की वकालत की, दुनिया को उम्मीद सरकार में समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में बोले भारत के स्थायी प्रतिनिधि T.S. तिरुमूर्ति जातिवाद मानवता की भावना का विरोध। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में फिनलैंड, श्रीलंका, चिली और तंजानिया के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की, अफगानिस्तान, एशिया प्रशांत समेत ग्लोबल और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह पेगासस जासूसी मुद्दे पर सुनाएगा फैसला, याचिका में स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। फैसला देने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी, जासूसी के आरोपों की जांच करने के लिए बनेगी एक्सपर्ट कमेटी, अगले सप्ताह कमेटी के सदस्यों के नामों का ऐलान किया जाएगा। अग्नि 5 मिसाइल की टेस्टिंग आज, अभी तक 7 बार कामयाब रहा है परीक्षण, 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती है मिसाइल। जम्मू कश्मीर के शोपियान में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने स्थानीय आतंकी अनायत अशरफ डार को ढेर किया, एक सिविलियन को भी मारी थी गोली। नवरात्रि से पहले माता वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ाई गई सुरक्षा, CRPF जम्मू के IGP बोले हम जम्मू में कुछ नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र में महिला सुरक्षा पर गवर्नर की नसीहत के बाद एक्शन में उद्धव सरकार, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सहित पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक में मंथन। बॉम्बे हाईकोर्ट महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर 29 सितंबर को करेगा सुनवाई, देशमुख ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में TK सुमन को दी है चुनौती। UP के CM योगी ने लखनऊ के BJP हेडक्वार्टर में PM मोदी के जीवन पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। दिल्ली के 3 मूर्ति हाइफा चौक पर मनाया गया हाइफा डे, केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह और RSS के इंद्रेश कुमार ने दी हाइफा की लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि। जनरल VK सिंह ने कहा हाइफा युद्ध भारतीय सेना के शौर्य का उदाहरण, भारतीय जवानों ने घोड़ों पर चढ़कर आधुनिक हथियारों से लैस तुर्कों को खदेड़ा था। हाइफा विजय दिवस पर बोले RSS के प्रचारक इंद्रेश कुमार, दुनिया तालिबानीकरण से नहीं, शांति, सद्भाव, भाईचारे और विकास से सरकार चलेगी। इंद्रेश कुमार बोले मुझे मुस्लिम महिलाओं ने कहा इस्लाम का तालिबानीकरण नहीं चाहिए, अमन, सलामती, सद्भाव और प्यार मोहब्बत चाहिए। गोरखपुर दौरे पर CM योगी गोरखनाथ मंदिर में महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैद्यनाथ की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। UP के सिद्धार्थनगर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया, साथ में मौजूद थे सांसद जंगदेव गोपाल। चंडीगढ़ में दिखा वायुसेना का शौर्य, सुखना लेक के ऊपर चिनुक और राफेल का एयर शो, 1971 में विजय के 50 साल पूरे होने पर एयर शो का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले एयर मार्शल VR चौधरी, वायुसेना प्रमुख भदौरिया के रिटायर्ड होने के बाद संभालेंगे वायुसेना की कमान। झारखंड के CM ने गरीबों के लिए सोना सोबरन धोती साड़ी योजना की शुरुआत की, साल में 2 बार 10 रुपए में धोती साड़ी और लुंगी का किया जाएगा वितरण। दिल्ली विश्वविद्यालय को मिला नया वाइस चांसलर, प्रोफेसर योगेश सिंह बने हैं DU के नए VC। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में घमासान जारी, कांग्रेस के पूर्व सचिव पंकज सिंह पर FIR दर्ज होने के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री के समर्थकों ने बिलासपुर के पुलिस थाने में दिया धरना। बिलासपुर में सरकारी अस्पताल के कर्मचारी की पिटाई के आरोप में पंकज सिंह पर दर्ज हुई FIR, TS सिंहदेव ने बदले की कार्रवाई करार दिया। CM बघेल और TS सिंहदेव की लड़ाई में फंसे छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, कहा मैं ना बघेल के साथ हूँ ना सिंहदेव के साथ। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मुस्लिम आबादी पर RSS को चैलेंज किया, कहा मुस्लिम आबादी देश में कभी नहीं हो पाएगी बहुसंख्यक। दिग्विजय ने कहा 1951 में मुस्लिमों की जन्म दर तेजी से घट रही है, 2028 तक हिंदू और मुस्लिमों की जन्म दर होगी बराबर, हिंदुओं को गुमराह करने का आरोप। संभल में असदुद्दीन ओवैसी का अब्बा जान के बहाने योगी पर अटैक, बोले कुछ लोग मुझे चचा जान बुला रहे हैं तो कुछ अब्बा जान, गरीबों और कमजोरों और सताए हुए लोगों का मैं हूं अब्बा। ओवैसी ने कहा मुझ पर वोट काटने का लगता है आरोप, मैं यहां योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए आया हूं। ओवैसी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, का 2019 के चुनाव में मुसलमानों का 75% वोट मिलने के बावजूद क्यों नहीं जीते, बताओ वोट कटवा कौन। ओवैसी ने पूछा सवाल, लतीक अहमद को कहा जा रहा है गैंगस्टर, BJP के 37% विधायकों पर क्रिमिनल केस दर्ज, कोर्ट में मामला चलने की देते हैं दलील। पंजाब में अमरिंदर सिंह की करीबी मुख्य सचिव विनी महाजन पर गिरीगाज, सरकार ने अनिरुद्ध तिवारी को बनाया है नया चीफ सेक्रेटरी। नवजोत सिद्धू के खिलाफ कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऐलान जंग, सिद्धू को बताया देश के लिए खतरा। अमरिंदर बोले सिद्धू को चुनाव जीतने नहीं दूंगा, उनके खिलाफ उतारेंगे उम्मीदवार, सिद्धू के साथ नहीं आ सकते। राहुल प्रियंका पर अमरिंदर का बड़ा हमला, कहा दोनों को कोई अनुभव नहीं, सलाहकार चला रही है पार्टी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ दिल्ली पहुंचे पंजाब कांग्रेस के नेता सुनील जाखड़, चंडीगढ़ से तीनों ने एक साथ पकड़ी फ्लाइट। चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली आने पर उठे सवालों पर पंजाब के CM चन्नी का पलटवार, पूछा गरीब का बेटा चार्टर्ड प्लेन से सफर करता है तो परेशानी क्यों।
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कांग्रेस पर बड़ा हमला का कांग्रेस हाईकमान रच रहा है राष्ट्र विरोधी साजिश सिद्धू के जरिए पंजाब और पाकिस्तान को नजदीक लाना चाहती है कांग्रेस। अनिल विज ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को राष्ट्रवादी कहा कैप्टन कांग्रेस की गंदी साजिश में बाधा थी इसलिए कांग्रेस ने राजनीतिक तौर पर उनका कत्ल कर दिया। अनिल विज की पंजाब की जनता से अपील पंजाब के तमाम राष्ट्रवादी एक मंच पर आए कांग्रेस की घृणित साजिश को नाकाम करें। पंजाब में कांग्रेस के अंदरूनी कलह पर बोले आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज कहा सिद्धू और कैप्टन की लड़ाई में पंजाब का नुकसान कहा कांग्रेस ने लोगों से वायदे किए वो पूरे नहीं होंगे। ममता की लोगों से वोट डालने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने ली चुटकी कहा हार के डर से नर्वस हो गई है ममता। भवानीपुर में जीत के लिए ममता का इमोशनल कार्ड सीएम ने कहा अगर मैं हार गई तो कोई और बन जाएगा मुख्यमंत्री। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर लगाया देश को बांटने का आरोप कहा भारत को तालिबान नहीं बनने देंगे। ममता ने बीजेपी को बताया जुमला पार्टी कहा बीजेपी झूठ बोलती है कि बंगाल में दुर्गा पूजा लक्ष्मी पूजा पर रोक है। अगले हफ्ते कोल्हापुर का दौरा करेंगे बीजेपी नेता किरीट सोमैया 28 सितंबर को ट्रेन से कोल्हापुर जाएंगे देवी अंबाबाई मंदिर में दर्शन करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर किया हमला कहा बीजेपी के विकास के दावों की खुले पोल चुनाव से पहले पार्टी धार्मिक भावनाओं से कर रही है खिलवाड़। मायावती ने गरीबी पर आरबीआई के डेटा का जिक्र कर सरकार को घेरा पूछा यूपी में डबल इंजन की सरकार में भी ऐसा क्यों बीजेपी के विकास के दावे को हवा हवाई और जुमलेबाजी करार दिया। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप कहा बेटे बहू को एक साल में 53 करोड़ का ठेका मिला। 5 करोड़ रुपए के टिकट मामले में पटना के कोतवाली थाने में तेजस्वी और मीसा भारती के खिलाफ दर्ज हुआ मामला एफआईआर में बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का भी नाम। संजय राउत ने चंद्रकांत पाटिल को दिया जवाब कहा स्वाभिमान की कोई कीमत नहीं उनके पास बहुत पैसा है पैसे वालों की पार्टी है उनको हर जगह पैसा दिखता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खट्टर सरकार पर युवाओं को धोखा देने का आरोप लगाया कहा युवाओं की आंखों में धूल झोंक रही है राज्य सरकार किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया ऐलान विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की करेगी शुरुआत महंगाई तेल की बढ़ती कीमतों बेरोजगारी का मुद्दा उठाएगी। दिल्ली के नवादा मेट्रो स्टेशन के नीचे धसी सड़क रात करीब 3 बजे धसी सड़क गड्ढे के पास बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। नवादा मेट्रो स्टेशन पर रोड धसने के कारण यातायात प्रभावित मेट्रो स्टेशन के पास लगा जाम सड़क बनाने के लिए पूरी रोड को तोड़ने की प्लानिंग। दिल्ली में प्रदूषण की हालात चिंताजनक दिल्ली का औसतन पीएम लेवल अब WHO के स्टैंडर्ड से 17 गुना ज्यादा। रायमोरा नेशनल पार्क के पास के गांव में 57 शिकारियों ने हथियार समेत किया आत्मसमर्पण बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की मदद के लिए दिए 50,000 रुपए के चेक। रोहतक में शराब के ठेके पर लूट की वारदात 3 नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की। फायरिंग के बाद 3 लाख लूट कर भागे बदमाश वारदात सीसीटीवी में कैद पुलिस कर रही है तलाश। हरियाणा के रेवाड़ी में बदमाशों ने खुद को मारी 3 गोली गंभीर हालत में PGI रेफर किया। हत्या की कोशिश के एक मामले में बदमाश का पीछा कर रही थी पुलिस को आता देख एक घर की छत पर चढ़ गया था बदमाश। मध्य प्रदेश के पन्ना में लड़की पर एसिड से अटैक है दोनों आंखों में बुरी तरह से जली छेड़खानी का विरोध करने पर हमला हुआ। मुंबई में एंटी नार्कोटिक सेल को मिली बड़ी सफलता आजाद मैदान यूनिट के नागपाड़ा और कमाठीपुरा से 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार 80 ग्राम MG दवा बरामद। मुंबई एयरपोर्ट पर 25 करोड़ की हेरोइन बरामद कस्टम विभाग ने विदेशी मां बेटी को गिरफ्तार किया। पुणे में पकड़ा गया शादी का झांसा देकर पैसे लूटने वाला शख्स 100 से ज्यादा महिलाओं को बना चुका था शिकार पुलिस के मुताबिक फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल से था प्रभावित। कर्नाटक को कोपल में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया दलितों को मंदिर में प्रदर्शन करने पर फटकार और जुर्माना लगाने का आरोप। इंदौर में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग का छापा 4,200 किलो डिलीवरी के लिए था तैयार मध्य प्रदेश के बाहर भी करते थे एक्सपोर्ट। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने सड़कों पर 2-2 फीट तक पानी भरा। देहरादून में टायरों के शोरूम में लगी आग फायर सर्विस और स्थानीय पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन 2 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। असम के रायमोना नेशनल पार्क में 57 शिकारियों ने हथियार समेत किया आत्मसमर्पण 50,000 के दिए गए चेक बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के अध्यक्ष ने कहा सामाजिक जीवन में स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ा हादसा करीब 100 मीटर खाई में गिरा टाटा सूमो 2 लोगों की मौत 3 घायल। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी रीट परीक्षा में नंबर बढ़ाने की गारंटी देने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ SOG ने डकैत ऑपरेशन करके आरोपी को पकड़ा 26 सितंबर से है रीट की परीक्षा। मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है डेंगू का कहर इंदौर में बुधवार को 21 मामले आए पॉजिटिव एक बच्चे की हो चुकी है मौत। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बंदरों के आतंक से परेशान होकर लोगों ने किराए के शूटर को हराया 48 घंटे में ही 15 से ज्यादा बंदरों को ढेर किया प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। ऑडी की नई इलेक्ट्रिक कार ईटॉन GT और RS ईटॉन GT कार लॉन्च 3.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। माइक्रोसॉफ्ट का फोल्डिंग सरफेस डू लॉन्च हुआ 5G को सपोर्ट करेगा स्मार्टफोन 12 MP के 3 कैमरे और डिस्प्ले में मिलेगा रिफ्रेश रेट 990 हर्ट्ज पे।
एशिया वैश्विक बैंक ने घटाया अनुमान, अब 10% रह सकती है भारत की आर्थिक विकास दर। पहले एडीपी ने 11% रहने का अनुमान जताया था। कोरोना की दूसरी लहर का पड़ा असर। लखनऊ में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन, सीएम और डिप्टी सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। यूपी चुनाव को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, 2022 में फिर से रिकॉर्ड सीटों पर जीतेगी बीजेपी। यूपी के रामपुर में ग्राम विकास अधिकारी से मारपीट, सरकारी रिकॉर्ड्स को नष्ट करने का आरोप लगाया, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक अधिकारी पर 3 लोग फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने का बना रहे थे दबाव, इनकार करने पर मारपीट और गाली गलौज की, केस दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के मिर्जापुर में हत्या के आरोपी की पीट पीट कर हत्या की गई, ग्रामीणों ने पुलिस के सामने ही पिटाई की, डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। एक शख्स की गोली मारकर हत्या करने के बाद भाग रहा था आरोपी, पुलिस वालों के साथ ग्रामीणों ने धर दबोचा, उसके बाद जमकर की पिटाई। कानपुर में नहीं थम रहा है वायरल फीवर का कहर, लगातार बढ़ रहे हैं नए मामले, हर मरीज का हो रहा है कोविड से या मलेरिया और टाइफाइड और डेंगू का टेस्ट। कानपुर में डेंगू का कहर, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, अस्पतालों में डेंगू मलेरिया वायरल बुखार के मरीज बढ़े। संभल में सीएम योगी की सभा वाली जगह पर गंगाजल छिड़कने वाले एसपी कार्यकर्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, गंभीर धाराओं में केस दर्ज। यूपी का इनामी बदमाश अब्दुल रजाक अठाने से पकड़ा गया, महाराष्ट्र एटीएस का यूपी एटीएस के साथ बड़ा ऑपरेशन, 1,00,000 रुपए का था इनाम। घाटे में आगरा की बूट इंडस्ट्री में काम करने वाले कारीगर पैसे ना मिलने से परेशान है, कारोबारियों ने सरकार के नए मापदंडों को जिम्मेदार ठहराया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पोस्ट कोविड प्रबंधन पर जारी किया दिशा निर्देश, कहा इससे हेल्थ वर्कर्स को पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के लिए तैयार रहने और इलाज करने में मिलेगी मदद। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा, कोरोना से हुई मौत पर परिजनों को मिलेगा 50,000 का मुआवजा। देश में एक दिन में कोरोना के करीब 31,923 नए केस, 282 लोगों की जान गई। केरल में कोरोना के 19,675 नए केस मिले, 142 लोगों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु में कोरोना के 1,682 लोग पाए गए संक्रमित, 20 मरीजों की गई जान। दिल्ली में कोरोना के 30 नए केस मिले, 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं। उत्तर प्रदेश में एक दिन में कोरोना के महज 15 केस आए, सामने एक मरीज की गई जान। अमेरिका में फाइजर की बूस्टर डोज की एडीएफ ने दी मंजूरी, 65 साल से अधिक और हाई रिस्क वाले लोगों को लगाई जाएगी बूस्टर डोज। भारत में नेपाल के राजदूत नीलांबर आचार्य का बयान, भारत से मिली 1 मिलियन वैक्सीन। यूएन महासभा में बड़ा कोरोना का खतरा, ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री पॉजिटिव हुए। चारधाम यात्रा की हर हफ्ते हुई हाईकोर्ट को देनी होगी रिपोर्ट, मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या और श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सुविधाओं की निगरानी करने का भी निर्देश। महाराष्ट्र में नोट की परीक्षा रद्द, हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि छात्रों के भविष्य के लिए एक अच्छा होगा, कुछ दिनों में लिया जाएगा फैसला नीट की परीक्षा के लिए। कोरोना से जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को गोवा सरकार देगी 2,00,000 की सहायता राशि, आर्थिक नुकसान पर 5,000 का मिलेगा मुआवजा, 50,000 लोगों को मिलेगा फायदा। सिलीगुड़ी में 18 महीने बाद खुला बंगाल सफारी, हाथियों की सवारी के लिए पहुंचने लगे हैं पर्यटक। फ्रांस की नाराजगी दूर करने में जुटे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से फोन पर की बात। व्हाइट हाउस प्रवक्ता के मुताबिक बाइडेन की पहल पर हुई बातचीत, रणनीतिक मुद्दों पर सहयोग करने के लिए देशों के बीच चर्चा और सहमति बनी। स्पेन के ला पाल्मा ज्वालामुखी से निकला 40 फीट ऊंचा लावा, अधिकारियों ने मीडिया का कराया दौरा। हर घंटे 120 मीटर की रफ्तार से फैल रहा है लावा, 19 सितंबर को फटा था ला पाल्मा ज्वालामुखी। स्पेन की मिलिट्री इमरजेंसी यूनिट ने ज्वालामुखी से निकलने वाली जहरीली गैसों का आकलन शुरू किया, ज्वालामुखी से निकल रहा है 1,000 डिग्री सेल्सियस तापमान का खौलता हुआ लावा। टेक्सास मेक्सिको बॉर्डर पर बने पुल पर जमे हुए हैं हैती के शरणार्थी, अमेरिका नहीं देगा शरण, फ्लाइट से हैती वापस भेजे जाएंगे शरणार्थी। लॉस एंजलिस के बंदरगाहों में मालवाहक जहाजों का जमावड़ा, आयात हुए सामान की मांग बढ़ने की वजह से अमेरिका की सप्लाई चेन में आ रही है दिक्कत। WHO ने कहा वायु प्रदूषण से दुनिया में सालाना 70,00,000 मौतें होती हैं, नई सख्त गाइडलाइंस जारी की। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा फ्रांस के साथ विवाद खत्म करने में लगेगा वक्त, सही समय पर करेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन से बात। चीन के बाद अब ताइवान ने भी ट्रांस पैसिफिक व्यापार सौदे में शामिल होने के लिए आवेदन किया, ताइवान को डर है कि चीन अगर समझौते में पहले शामिल हुआ तो वो ताइवान के लिए रोड़ा अटका सकता है। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने अभिनव बिंद्रा से की मुलाकात, बिंद्रा से मिलने अपने गोल्ड मेडल के साथ पहुंचे थे नीरज। अमेरिका को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप के कंपाउंड कैटेगरी के फाइनल में पहुंची भारत की महिला तीरंदाजी टीम, पुरुष टीम क्वार्टर फाइनल में हारी। सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले फुटबॉलर बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फोर्ब्स की लिस्ट में मिला पहला स्थान, दूसरे नंबर पर है लियोनेल मेसी। MCC ने क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाले शब्द में किया बदलाव, अब बल्लेबाज को बैट्समैन की जगह बैटर बोला जाएगा। टीम को जिताने के बाद दिल्ली कैपिटल्स टीम की कप्तानी पर बोले श्रेयस अय्यर, कहा ऋषभ पंत को कप्तान बरकरार रखने के टीम के फैसले का सम्मान। IPL में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स से हैदराबाद को 8 विकेट से हराया, श्रेयस अय्यर ने छक्का लगाकर जीत दिलाई।
दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल में अपनी सातवीं जीत दर्ज कर टॉप पर पहुंचे। सनराइजर्स हैदराबाद 8 मैचों में सातवीं हार के बाद प्लेऑफ से बाहर होने के कगार पर पहुंची। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी टी नटराजन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संपर्क में आए सभी 6 लोगों को आइसोलेट किया गया, मैच पर नहीं पड़ा असर। दिल्ली के शिखर धवन का ऑरेंज कैप पर कब्जा, धवन ने अब तक सबसे अधिक 422 रन बनाए। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला, टॉप फोर में बने रहने के लिए मुंबई को जीत जरूरी। कोलकाता अंक तालिका में छठे नंबर पर, 8 मैचों में 3 जीत के साथ कोलकाता के 6 अंक। आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट ने वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर मालोनी सैमुअल्स को किया भेजा नोटिस, 14 दिनों में मांगा है जवाब। आईपीएल खेल रहे दीपक हुड्डा की बढ़ सकती है मुश्किलें, बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट हुड्डा के पोस्ट की करेगी जांच, दोषी पाए जाने पर हो सकती है कार्रवाई। टी20 विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया को लग सकता है बड़ा झटका, ऑलराउंडर मार्क स्टोइनिस आईपीएल में गेंदबाजी के दौरान घायल। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल आर्थर ने इंग्लैंड के पाकिस्तान दौरा रद्द करने पर उठाए सवाल, खिलाड़ियों को आईपीएल खेलने की परमिशन देने पर जताई हैरानी। इंग्लैंड का पाकिस्तान दौरा रद्द करने के बाद बड़े विवाद पर बोले ब्रिटिश उच्चायुक्त क्रिश्चियन टर्नर, कहा दौरा रद्द करना ईसीबी का फैसला, सरकार का नहीं। ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तान दौरे पर भी सस्पेंस, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा रख रहे हैं हालात पर नजर, अगले साल ऑस्ट्रेलिया को करना है पाकिस्तान का दौरा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कराएगा प्रेसिडेंट का चुनाव, अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया शुरू, 6 अक्टूबर को चुनाव। ओडिशा सरकार ने अंडर 18 गर्ल्स रग्बी टीम को सिल्वर जीतने पर भारतीय टीम को किया सम्मानित, राज्य के खेल मंत्री बोले भविष्य में और अच्छे प्रदर्शन की है उम्मीद। कोलकाता में बारिश के दौरान सड़क पर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक कांस्टेबल की तस्वीर वायरल, झमाझम बारिश के बीच स्ट्रे डॉग्स को अपनी छतरी के नीचे छिपाया। ब्लड कैंसर से जंग जीतकर लौटे 6 साल के बच्चे का स्कूल में हुआ शानदार स्वागत, लोगों ने खड़े होकर बजाई तालियां। दिल्ली के रेस्टोरेंट में साड़ी पहनने की वजह से महिला को रेस्टोरेंट में नहीं मिली एंट्री, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों का गुस्सा भड़का। इसराइल के पूर्व पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की उतारी नकल, वायरल हुआ वीडियो। बाइक सवार को बंद हो रहे रेलवे फाटक को तेजी से पार करने की कोशिश करना महंगा पड़ा, अचानक फाटक बंद होने से बाइक समेत टकराया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बारिश के दौरान गिरे मिले बादल जैसे टुकड़े, स्थानीय लोग हैरान, सैंपल लेकर जांच में जुटा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। विद्युत जामवाल स्टारर सनक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज, एक्टर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्टर। फ्रेंच मूवी न्यूट ब्लेंच के हिंदी रीमेक को भी शाहिद कपूर और डायरेक्टर अली अब्बास की अपकमिंग फिल्म अली अब्बास जफर के फ्रेंच फिल्म के राइट्स खरीदने की है खबर। सेव द फॉरेस्ट थीम पर बेस्ड होगी वरुण धवन और कृति सैनन की फिल्म भेड़िया, अगले साल फरवरी में रिलीज होगी। विकी और कियारा के लिए गेस्ट म्यूजिक कंपोजर बनेंगे सचिन चेकर, फिल्म मिस्टर लेले के एक गाने को करेंगे कंपोज। मनोज मुंतशिर पर कविता चुराने का आरोप लगा तो टोलर्स ने दिया जवाब, कहा एक साथ फुर्सत में दूंगा जवाब। सेट पर 10 दिन में शूट हुई फिल्म धमाका, पोस्ट प्रोडक्शन में लगे 4 महीने, फिल्म में कार्तिक आर्यन निभा रहे हैं न्यूज एंकर का रोल। हिना खान अंगद बेदी का गाना मैं भी बर्बाद हुआ रिलीज, अंगद बेदी के साथ बोल सीन करने पर बोली हिना खान ये सबसे हटके है। साड़ी पहनने पर महिला को नहीं मिली दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में एंट्री, महिला ने रेस्टोरेंट के स्टाफ का वीडियो बनाकर सोशल अकाउंट पर शेयर किया। साड़ी विवाद पर भड़की ऋचा चड्ढा, का पारंपरिक कपड़ों और अपनी भाषा की निंदा करना उपनिवेशवाद का सबूत है, साड़ी स्मार्ट है आपकी पॉलिसी नहीं। नेहा कक्कड़ के पति रोहनप्रीत सिंह के साथ जैस्मीन भसीन का नया गाना 28 सितंबर को रिलीज होगा, एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर किया। अमेरिकन सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स ने अदालत से फिर की मांग, पिता को कंजर्वेटिवशिप से हटाने का मांग किया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी, वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।